अयोध्या। ताज ग्रुप ने अयोध्या में 5-स्टार होटल के लिए किया आवेदन, अब तक 30 होटलों को मिली मंजूरी। बलरामपुर, मुख्यमंत्री योगी ने मां पाटेश्वरी की आराधना कर गौ माता का लिया आशीर्वाद, व्यवस्थाओं का लिया जायजा। रायबरेली, दो शिक्षिकाओं के बीच गाली गलौज के बाद छात्रों के सामने मारपीट, अखाड़ा बन गया विद्यालय। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी को दी मंजूरी, अनुपूरक बजट लाएगी सरकार। उत्तर प्रदेश कांग्रेस, शिव पांडे बने यूपी कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष। कांग्रेस ने शिव पांडे को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया है। पार्टी निकाय चुनाव की तैयारी कर रही है। अग्निवीर रिक्रूटमेंट, अयोध्या में अग्निवीरों की भर्ती शुरू, हजारों की संख्या में जुटे अभ्यर्थी। मायावती बोली, पसमांदा मुस्लिम समाज का राग, आरएसएस व भाजपा का नया शिकूफा। बाराबंकी रेलवे लाइन पर पड़े मिले मुस्लिम युवक युवती के शतविशत शव, नहीं हो सकी शवों की जान पहचान। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन और सहयोगी कंपनियों के कर्मचारियों को मिलेगा 38% महंगाई भत्ता, जारी आदेश। सीतापुर, महिला फरियादी से अभद्र भाषा का वीडियो वायरल, इंस्पेक्टर को किया गया लाइन हाजिर।